अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बहुत ही झटपट मटन शोरबे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये हड्डी वाला मटन है, इसका बहुत ही टेस्टी शोरबा बनता है सालन। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए हम एक पैन लिए हैं, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किए हैं और गैस हमारा लो फ्लेम पर ही होना चाहिए। इसके बाद हम 1 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा इसमें ऐड कर दिए और इसको स्लो गैस पे हम भूनने लगे। पहले हम इसमें 1 टेबलस्पून ही ऑयल डाले थे, जिसकी वजह से ये अच्छे से नहीं भून रहा था, इसलिए फिर हम इसमें और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किए और इसको भूनने लगे। इसमें से बहुत ही भुनने की अच्छी खुशबू आने लगती है और ये स्लो गैस पे बहुत अच्छे से भुन जाता है। ये देखिए किस तरह से ये भुन रहा है, इसमें से बबल्स आने लगते हैं। इसके बाद ये निशानी है कि ये हमारा भुन गया है बेसन अच्छे से। इसके बाद हम एक मीडियम साइज़ की प्याज को अलग से फ्राई करके लिए थे, ये इसमें ऐड किए और आटे के साथ उसको भी थोड़ा सा भून लिए 10-15 सेकेंड। इसके बाद इसमें हम 1/2 कप पानी लिए हैं, लेकिन हम ये 2-2 टेबलस्पून पानी इसमें हम ऐड कर इसको मिक्स कर रहे हैं, ताकि हमारे आटे में गांठ ना बने, लम्स ना आए। इस तरह से स्लोली स्लोली इसको भूनते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे, जब तक इसका एक क्रीमी टेक्सचर आ जाए। ये देखिए ये इस तरह से भून रहा है स्लो स्लो से। फिर और इसमें और हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। और इसमें और थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। अभी पानी थोड़ा हम 1/2 कप तक ऐड किए हैं, थोड़ा ज़्यादा, पहले 2-2 टेबलस्पून ऐड किए थे और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लिए। इसके बाद हम कुछ मसाले इसमें ऐड कर देंगे। ये जो हम पहले इसके लिए जो हम मटन लिए हैं, ये पूरा हड्डी वाला मटन है। इसमें हल्दी, गरम मसाला, अदरक लहसुन, नमक डालकर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर हम वो मटन को गला कर लिए थे, इसलिए इसमें डायरेक्ट हम अदरक लहसुन नहीं डाले हैं। अब इसके बाद हम कुछ मसाले डाले हैं। इसमें हमारी मसाले वाली लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए सब हमारा मसाला और वो भुना हुआ आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो रहा है। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो मटन को हम गला के लिए थे वो हम इसमें ऐड किए। ये 1/2 किलो तक मटन है, हड्डी वाला है, इसमें गोश्त कम है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी सालन बनकर तैयार होता है। और अब इस गोश्त को इसमें मिक्स डालकर हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये सब प्रोसेस हम लो फ्लेम पर ही कर रहे हैं, ताकि हमारा सालन अच्छा बने। और उसको स्लोली स्लोली हम चम्मच से मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए हमारा गोश्त और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें खोपरे का इस्तेमाल या कोई और मसालों का इस्तेमाल नहीं किए हैं, बहुत ही सिंपल सा घर के इंग्रेडिएंट्स से बहुत टेस्टी सालन बनकर तैयार हुआ था। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन ढककर हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद देखिए ये इस पॉइंट पर हमें अभी कितना ग्रेवी चाहिए वो हिसाब से हम गर्म पानी कर लेंगे। हम इसमें 1 कप तक गर्म पानी का इस्तेमाल किए हैं। ये देखिए हम अब ये गर्म पानी इसमें डाल रहे हैं। जिसमें हम गोश्त गलाए थे वही बर्तन में पानी गर्म किए थे, इसलिए पानी का कलर थोड़ा येलोइश आपको लग रहा है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। ये देखिए आपको कितना थिकनेस चाहिए सालन की, ग्रेवी की, उस हिसाब से आप पानी डालकर इसको ढककर आप 5 मिनट के लिए पकाइए। और हम
और हम दूसरी साइड दो हरी मिर्चियों को कट करके लिए हैं और एक अदरक का टुकड़ा लेकर उसके स्लाइसेस किए हैं, ये एक टेबल स्पून तक है। और इन दोनों को हम उस सालन में ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह से 2 मिनट तक इसको आप अच्छे से पका लीजिए। अदरक डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था, खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। इसके साथ आप सलाद भी बनाइए, नींबू, प्याज, ककड़ी, जो भी आपके पास अवेलेबल है। और ये रोटी के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है, और चावल के साथ, नान के साथ। और इसके बाद हम इसमें हरा धनिया डाल रहे हैं बारीक कट करके, और इस सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और 1/4 चम्मच इसमें हम अब गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, लास्ट में ऐड करने से भी इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। और इसके बाद इसको 2 मिनट तक ढककर हम पकाएंगे लो फ्लेम पे, और गैस को अब बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार शोरबे वाला सालन बन गया था। अगर आपके घर कम गोश्त है और ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं तो आप इस तरह का भी ग्रेवी वाला शोरबा बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।